करियर जंक्शन परिवार में मैं सौरभ राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्लॉक पढ़ा था और क्लॉक चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करा गया है और क्लॉक के हर एक पहलू पर हम लोगों ने ध्यान से और वन बाई वन हर एक टाइप पर डिस्कस किए हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप पूरी क्लास अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज उसी सीरीज में हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। क्या होगा? कैलेंडर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कैलेंडर की, तो देखो कैलेंडर में हम लोगों से कभी भी कैलेंडर की हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। तो एक बात हमेशा ध्यान देना कि कभी भी कैलेंडर की हिस्ट्री नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। कैलेंडर में हमसे दिन निकालना पूछेगा, हमसे ऑड डेज पूछेगा, हमसे जो भी पूछेगा वो दिन ही पूछेगा, कभी हमसे कैलेंडर की हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, कैलेंडर में अगर हम लोग बात करें कि सबसे इसमें बेसिक पॉइंट क्या होता है, तो इसमें सबसे बेसिक पॉइंट होता है वर्ष, और जो वर्ष होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। जो वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है? वर्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल ईयर, एक क्या होता है, एक होता है सिंपल ईयर, एक होता है सिंपल ईयर, और एक क्या होता है भाई, एक होता है लीप ईयर। एक क्या होता है? लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो लीप ईयर और सिंपल ईयर में कुछ तो अंतर होगा, तभी तो दोनों के नाम अलग अलग हैं। अगर हम अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखो, इसमें जो दिनों की संख्या होगी, इसमें जो दिन होंगे वो होंगे 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 दिन होती है। लेकिन किसी नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या 365 और लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 क्यों होती है? कुछ तो रीजन होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें जो फरवरी होती है, सिंपल ईयर की जो फरवरी होती है वो 28 की होती है, और लीप ईयर की जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की होती है। जबकि सच्चाई इतना ही नहीं है कि इसमें फरवरी 28 की और इसमें फरवरी 29 की होती, सिर्फ इसी वजह से ऐसा नहीं है कि इसमें 366 दिन हो गए क्योंकि फरवरी इसमें 29 की होती है। जबकि सच्चाई ये है कि जो हमारा वर्ष होता है, ध्यान से देखो, एक जगह पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, जो हमारा वर्ष होता है, अगर हम वर्ष की बात करें तो जो प्रत्येक वर्ष होता है, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर देख लेना अच्छे से और इसको नोट डाउन भी कर लेना कि जो प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है। कितने का होता है? 47.5 सेकंड का होता है। कि जो वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं, कितने भाई, इसको हम लोग अप्रॉक्स 6 आवर मान लेते हैं। कितने आवर मान लेते हैं? 6 आवर मान लेते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं कितने में? एक वर्ष में। तो जब एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, तो ध्यान से सुनना, दूसरे वर्ष में कितना होगा? 6 घंटे। तीसरे वर्ष में कितना होगा 6 घंटे। और अगर हम बात करें चौथे वर्ष में भी क्या हो जाएगा? 6 घंटे। और 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24, तो ये अप्रॉक्स ये कितने घंटे बना लिया? तो आप कहोगे सर अप्रॉक्स ये 24 आवर बना लेता है, और 24 आवर को ही तो हम लोग एक दिन बोलते हैं, और वह एक दिन जाके इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सर एक दिन पूरा हो गया, और जो यह एक दिन है, यह एक दिन जाके फरवरी में ऐड हो जाता है। और जब यह एक दिन फरवरी में ऐड होता है तो फरवरी हमारी 28 की ना होके कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। समझ में आई? तो फरवरी 28 की ना होके 29 की होती है, और जैसे ही फरवरी 29 की होती है तो जो वर्ष होता है वो हमारा कितने का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है। और अगर ये 366 दिन का हो जाता है तो बताओ ये ऐसा होता कब है? तो आप कहेंगे ऐसा हर 4-4 सालों पर होता है, कभी कभी 8-8 सालों पर होता है, वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये 4-4 सालों पर लीप ईयर आता है, और 4-4 सालों पर जो हमारा लीप ईयर होता है उतनी बार जो हमारी फरवरी होगी वो कितने की होगी? 29 की होगी। बताओ इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई भाई फरवरी 28 की, इसमें फरवरी 29 की क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक वर्ष खाली 365 दिन का नहीं होता, 365
दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का होता है और जो अप्रॉक्स 6-6 घंटे इसको माना जाता है और 6-6 का मतलब हो गया कितना 24 घंटे और यह 24 घंटे जाके एक दिन बनाता है और यह दिन आके फरवरी में ऐड हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारा वर्ष होता है वो 366 दिन का हो जाता है। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे से। तो अभी ये बात ये बताओ कि क्यों फरवरी में ही ऐड हुआ। मान लो कोई टीचर या किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि सर ये फरवरी में ही क्यों ऐड हुआ, तब आप क्या जवाब दोगे? तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं है कि यह एक दिन जो एक्स्ट्रा आया फरवरी में ही क्यों ऐड हुआ। बस इतना सा मामला जान लो कि जो फरवरी सबसे कम दिन थे इसलिए वह ले जाके फरवरी में ऐड कर दिया गया। समझ में आई इतनी बात? ठीक, तो चलिए ये तो बात हो गई भाई कितने कितने फरवरी होगी और कितने के लीप ईयर होगा। अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वीक की तो देखो इसमें जो वीक होता है वो 52 होते हैं, कितने 52 होते हैं और वन डे होता है, 52 वीक और वन डे होता है। और इसमें जो होता है इसमें अगर हम लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर में कितने वीक होते हैं, तो लीप ईयर में 52 वीक होते हैं और क्या होता है 2 डे होता है, 2 दिन होता है। समझ में आ गई बात अच्छे से कि भाई जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो यार कोई ये बताएगा कि 52 सप्ताह 1 दिन कैसे आया और 52 सप्ताह 2 दिन कैसे आया? ये जो 2 दिन है ये विषम दिन है और जो 1 आया है यह भी विषम दिन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि 52 सप्ताह ये निकला कहाँ से, 1 दिन आया कहाँ से, तो एक बात ध्यान से रखना कि किसी भी दिन में 7 से भाग देने पर जो हमारा भागफल होगा, किसी भी दिन में 7 से भाग देने पर जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा भागफल होगा वह नंबर ऑफ वीक होगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेष फल होगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। समझ में आई बात? यहाँ की अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वीक कितने होंगे तो 52 होंगे। आया कैसे भाई? 7 से किसी दिन में या 366 दिन में 7 से भाग दिया गया होगा, और 7 से भाग जो 366 में दिया गया होगा 52 सप्ताह 2 दिन शेष बचा होगा, और जो 2 दिन शेष बचता है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज विषम दिनों की संख्या होती है। समझ में आ गई बात भाई? देखो यहाँ पे मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने अभी आपसे कहा कि किसी भी दिन में, देखो किसी भी दिन में जब आप 7 से भाग दोगे, किसी भी दिन में 7 से भाग दोगे जो भागफल होगा, जो भागफल होगा वह क्या होगा, वह नंबर ऑफ वीक यानी कि सप्ताहों की संख्या होगी, और जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेष फल होगा, जो हमारा शेष फल होगा वह क्या होगा, वह होगा सर नंबर ऑफ ऑड डेज, वह क्या होगा नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या होगी। समझ में आ गई बात? तो एक बात ध्यान से देखना, वैसे 365 में क्या किया गया होगा, 365 में जब 7 से भाग दिया गया होगा तो कितनी बार गया होगा, तो आप कहेंगे सर 52 बार गया होगा। कितनी बार गया होगा? 52 बार गया होगा। अगर 52 बार भागजक हमारा 52 बार है तो बताओ कितने सप्ताह हुए, सॉरी कितने सप्ताह हो गए, ये 52 सप्ताह हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 1, और यही 1 हमारा क्या हो गया, विषम दिन हो गया। यही 1 हमारा क्या हो गया, विषम दिन हो गया। फिर अगर हम बात करें कि लीप ईयर की, ध्यान से देखना, अगर हम लोग बात करें लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन कहाँ से आया है, तो ध्यान से देखो जब इसमें 366 में, जब 366 में 7 से भाग दिया गया होगा तो कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा। 366 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा। तो यहाँ पे सप्ताहों की जो संख्या होगी वो 52, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना, 2, तो ये 52 सप्ताह हो गए और 2 हमारा विषम दिन हो गया। तो सब लोग अच्छे से समझ पाए कि भाई कि किसी साधारण वर्ष में, ध्यान से देखो कि किसी साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो दिन होते हैं 365, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह होते हैं 52, और विषम दिन कितने होते हैं, 1। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने की फरवरी होती है, तो फरवरी कितने की होती है, 28 की। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होगी वो 366, फरवरी कितने की रही होगी, 29 की, और इसमें जो नंबर ऑफ वीक होंगे वो 52, और नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2। तो बताओ इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और
अच्छे से समझ भी जाएंगे, क्योंकि देखो भाई बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो उम्मीद भी यही होगी कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। और एकदम आराम से वीडियो को पॉज करके अपने एक एक पॉइंट को नोट करो, तब जाके आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और यकीन मानो कि अगर आप कैलेंडर का क्लास पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कैलेंडर फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा और पूरे ईमानदारी के साथ। अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्तव्य करें और अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाए, यही एक टीचर की हमेशा विश होती है। ठीक है, तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हो गई भाई कि एक हमने कैलेंडर का जनरल डिस्कशन कर लिया, एक हमने कैलेंडर का जनरल डिस्कशन किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसमें लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे कि कौन लीप ईयर है, कौन साधारण वर्ष है, या कौन सेंचुरी ईयर है, कौन सेंचुरी लीप ईयर है, अगर इन सब पे पहचानना नहीं पता है या जो भी चीज़ें हों स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, तो सारी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसमें आप लोग हेडिंग डाल लो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो भाई लीप ईयर की पहचान। सबसे पहले हेडिंग डालो लीप ईयर की पहचान। क्या डालोगे? लीप ईयर की पहचान, अधिवर्ष की पहचान। ठीक, ये हो गया आपका लीप ईयर की पहचान। ठीक है भाई, लीप ईयर की पहचान। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक एक पॉइंट लिखना, मैं बार बार बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को ईमानदारी के साथ लिखो। किसी भी ईयर के लास्ट टू डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में फोर से डिवाइड करने पर यदि वह पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह लीप ईयर होगा। तो वह क्या होगा? लीप ईयर होगा। मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ष के लास्ट टू डिजिट में, ध्यान से देखो, किसी भी वर्ष के लास्ट टू डिजिट में, लास्ट कितने डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में फोर से डिवाइड करने पर यदि वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वह क्या होता है? वह लीप ईयर होता है। वह क्या होता है? वह लीप ईयर होता है। अब ध्यान से देखो भाई, जैसे वर्ष को पहचान लो कि वो है क्या। जैसे मैंने कहा कि 2012 1600, 1628, 1732, 1824। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि किसी भी ईयर के लास्ट टू डिजिट में अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं, अगर वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वह क्या होगा? वह लीप ईयर की संख्या होगी। तो एक बात बताओ, 12 में 4 से भाग दे दो, देखो पूरी तरीके से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सर कट गया। कितनी बार, कितना भागफल आया हमारा? 3 भागफल आया। अगर हम 16 की बात करें, 16 भी 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 28 भी 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, और 32 भी 4 से कटेगा, 4 अठ 32, और 24 भी 4 से कटेगा, 4 छक 24। तो देखो सारे के सारे 4 से ये क्या हो गए? 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए। और अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए, इसका मतलब यह नॉर्मल लीप ईयर होगा, क्योंकि कोई भी वर्ष का अंतिम दो अंक अगर 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह क्या होता है? वह नंबर ऑफ लीप ईयर होते हैं। तो ये सबके सब क्या होंगे? ये सबके सब होंगे नंबर ऑफ लीप ईयर। ये सबके सब क्या होंगे? ये सबके सब होंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, अधिवर्ष की संख्या। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नंबर ऑफ लीप ईयर हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, ये 7 क्या है, ये 8 क्या है, ये 6 क्या है, तब क्या जवाब होगा आपका? तो ध्यान से देखो भाई, यहां पे ध्यान से देखो,
एक नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखना, किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड करने पर जो भागफल होगा मतलब जो हमारा क्वोशंट होगा वह क्या होगा, वह नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। बात को समझ पाए कि नहीं? मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो अगर वो कट जाता हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर है। लेकिन हमने क्या कहा कि किसी वर्ष में जो आप चार से डिवाइड करोगे जो भागफल होगा वह क्या होगा, वह नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, वह अधिवर्ष की संख्या होगी। तो ये बताओ 12 में 4 से भाग दिया, इसमें कितने लीप ईयर, 3 लीप ईयर। 16 वर्षों में कितने लीप ईयर, 4। 28 वर्षों में कितने लीप ईयर, 7। 32 वर्षों में कितने लीप ईयर, 8। 24 वर्षों में कितने लीप ईयर, 6। तो हमने क्या कहा, 4 से भाग देने पर जो भागफल होगा वही तो नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। तो बताओ किसी भी वर्ष में अगर आप 4 से भाग दोगे तो जो भागफल होगा वह क्या होगा, वह नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई, आप लीप ईयर अच्छे से पहचान गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट इसमें होगा, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वह सेंचुरी ईयर की पहचान, सेंचुरी ईयर की पहचान, शताब्दी वर्ष की पहचान, शताब्दी वर्ष की पहचान, शताब्दी वर्ष की पहचान। ठीक, अब देखो शताब्दी वर्ष को पहचानेंगे कैसे, पहले तो जान लो शताब्दी क्या होता है। तो शताब्दी जो होता है वह सेंचुरी ईयर होता है। अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की, तो किसी भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट जो होता है वह 00 होता है, तो वह क्या होता है, वह सेंचुरी ईयर होता है। जैसे मैंने भाई 1 है, इसके बाद मैंने 00 लगा दिया, तो बताओ यह सेंचुरी ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो आप कहेंगे कि सर अगर किसी भी नंबर के बाद 0 आता है तो वह सेंचुरी हो जाता है। तो एक बात बताना ईमानदारी के साथ कि किसी भी कोई भी बल्लेबाज जब सेंचुरी पूरा करता है तो उसके रन के आगे 00 लगता है कि नहीं लगता है? आप कहेंगे बिल्कुल लगता है। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, जब वर्षों के 100 वर्षों के समूह हो जाते हैं तो उसी को सेंचुरी ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो देखो किसी भी पॉइंट टू पॉइंट भाई नोट कर लेना सब लोग, किसी भी वर्ष का लास्ट टू डिजिट यदि 00 हो जाए, शून्य हो जाए तो वह शताब्दी वर्ष होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट यदि 00 हो जाता है, किसी भी ईयर का लास्ट टू डिजिट यदि क्या आ जाए, 00 हो जाए, तो वह क्या होता है, वह सेंचुरी ईयर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे ध्यान से देखो, जैसे 1800, 1600, 1500, 100, 500, ये सब क्या हैं? ये सब सेंचुरी ईयर हैं। आप कहोगे क्यों सेंचुरी ईयर हैं? क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 00, लास्ट 2 डिजिट 00, लास्ट 2 डिजिट 00, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया, 00। और किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर 00 होगा तो वह क्या होगा, वह लीप ईयर, सॉरी सेंचुरी ईयर होगा। वह क्या होगा, वह नंबर ऑफ सेंचुरी ईयर, सॉरी सेंचुरी ईयर की संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई, शताब्दी वर्ष होगा। किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक अगर 00 आ जाए तो वह क्या होता है, वह शताब्दी वर्ष होता है। तो बताओ कोई ऐसा वर्ष है जिसका लास्ट 2 डिजिट 00 ना आया हो? आप कहेंगे सर सब में आया है, और अगर ये सब में आया है तो इसका मतलब ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब सेंचुरी ईयर होंगे। ठीक, अब यहां कान वान मत बनाने लगना, समझ में आ गई बात भाई।
तो यह तो हो गई शताब्दी वर्ष की पहचान। ये किसकी पहचान हो गई? यह शताब्दी वर्ष की पहचान हो गई। देखो, जैसे अभी हमने नॉर्मल ईयर में लीप ईयर फाइंड आउट करना बताया कि किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक अगर चार से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वह नॉर्मल लीप ईयर होगा, उसी तरीके से सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर होता है और ऐसा हर चार सौ वर्षों पर होता है। हर 400 वर्ष पर शताब्दी लीप ईयर होता है। तो वही मैं यहां पर कहने वाला था कि भाई सेंचुरी ईयर में लीप ईयर को कैसे पहचानोगे। तो ध्यान से देखो, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर की पहचान, तीसरा पॉइंट। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर की, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर की पहचान, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को कैसे पहचानोगे। तो ध्यान से सुनना भाई, कोई भी शताब्दी वर्ष यदि 400 से, कोई भी शताब्दी वर्ष यदि 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह सेंचुरी का लीप ईयर, वह सेंचुरी का लीप ईयर होगा। ध्यान से सुनना, कोई भी शताब्दी वर्ष जिसका अंतिम दो अंक 00 हो, वही तो शताब्दी होता है। कोई भी शताब्दी वर्ष यदि 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यदि 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वह सेंचुरी का लीप ईयर होगा। तो वह क्या होगा? वह सेंचुरी का लीप ईयर होगा। बताओ, बात समझ में आ गई इतनी? जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मेरे 400, 800, 1200, 2000, 1600, कितने हो गए? 1600। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं 400 से पूर्णतया विभाजित तो होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे 400 पूरी तरीके से विभाजित तो हो गया 400 से। 400 पूरी तरीके से अगर विभाजित हो गया 400 से, इसका मतलब यह सेंचुरी का क्या है? सेंचुरी का लीप ईयर है। अगर यह सेंचुरी का लीप ईयर हो तो बताओ इसमें फरवरी कितने की रही होगी? इसमें फरवरी मेरे भाई 29 की रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं 800 में 400 से भाग दूं तो आप कहेंगे दो बार जाएगा, पूर्णतया खत्म हो गया, 12 भी 400 से खल्लास हो गया और 2000 भी 400 से क्या हो गया? 2000 भी 400 से खल्लास हो गया और 1600 भी 400 से क्या हो गया? खल्लास हो गया। अब बताओ, जब ये 400 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना, अगर ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं तो बताओ इसमें 400 का भाग कितनी बार गया? एक बार। इसमें 400 का भाग दो बार, इसमें 400 का भाग तीन बार, इसमें 400 का भाग पाँच बार और इसमें 400 का भाग चार बार गया है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ये 400 से सब डिवाइड हो जा रहे हैं, अगर ये सारे वर्ष 400 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब यह सेंचुरी का क्या रहा होगा? यह सेंचुरी का लीप ईयर रहा होगा। और अगर सेंचुरी का लीप ईयर रहा होगा तो मेरे भाई ईमानदारी के साथ बताओ कि इसमें फरवरी कितने की रही होगी? तो आप कहेंगे सर इसमें फरवरी 29 की रही होगी। लेकिन ये जो भागफल आया है, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है, ये सब क्या है? तो आप ध्यान से देखो, 400 वर्षों में एक सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है, 800 वर्षों में दो सेंचुरी लीप ईयर, 1200 वर्षों में तीन सेंचुरी लीप ईयर और 2000 वर्षों में पांच सेंचुरी लीप ईयर और 400 वर्षों में कितने सेंचुरी लीप ईयर? चार सेंचुरी लीप ईयर होंगे। और इन सब में जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी? 29 की रही होगी। तो बताओ भाई, इतनी बात आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया? हम आशा करते हैं कि इतनी बातें आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स बना के अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को नोट भी कर रहे होंगे।
ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया, ध्यान से देखो भाई, आपने क्या सीख लिया कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, आपने सीख लिया कि नॉर्मल लीप ईयर क्या होता है, आपने सीख लिया कि सेंचुरी ईयर क्या होता है, आपने सीख लिया कि सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। बताओ इतनी बातें आपने सीख ली कि नहीं सीख ली? तो बताओ भाई नॉर्मल ईयर क्या होगा, किसी वर्ष का अंतिम दो अंक अगर 400 से विभाजित हो गया तो लीप ईयर, और अगर नहीं विभाजित हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अगर किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक लास्ट टू डिजिट क्या हो जाए, लास्ट टू डिजिट 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वह क्या होगा, वह नॉर्मल लीप ईयर होगा। अब सेंचुरी ईयर कैसे पहचानोगे, किसी भी ईयर का लास्ट टू डिजिट 00 आ जाए तो वह सेंचुरी ईयर होता है। अगर हम लोग बात करें सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, तो कोई भी शताब्दी वर्ष जैसे 400 है, अगर ये 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह सेंचुरी का क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और अगर यह सेंचुरी का लीप ईयर है तो इसमें फरवरी कितने की रही होगी, फरवरी 29 की रही होगी। तो बताओ इतनी बातें अभी तक हमने जितनी पढ़ाई, यही सारी बातें तो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी? क्या आप लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे? आप करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन मैं फिर भी करवाऊँगा, ठीक है? तो देखो अपना अपना भाई गेस करना कि कितनी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई है, ठीक है? तो देखो आपको बताना है, फिलहाल मैं यहां पे कुछ वर्ष लिख रहा हूं, 2015, ठीक, 1820, 1625, 2024, 1829, 1829, 200, 2000, 2200, 2100, 2136, 2136, 1515, 1900, 400, 2000, 2012, 2012, 2008, 2100, 2100, 1600, ठीक, 2300, 100, 2039, इतने वर्ष हमने यहां पे लगा दिए। अब आपको बताना क्या है, पहले तो ये जान लो, आपको बताना है मेरे भाई कि इसमें कितने, पहला पॉइंट ध्यान से देखना अच्छे से, इसमें आपको बताना है कि कितने ध्यान से ऐसे शार्ट में मैं लिख दे रहा हूं, कितने नॉर्मल ईयर होंगे, कितने क्या होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे। दूसरा पॉइंट, कितने नॉर्मल लीप ईयर होंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, कितने नॉर्मल लीप ईयर होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कितने सेंचुरी ईयर होंगे, सेंचुरी के नॉर्मल ईयर होंगे, कितने सेंचुरी के नॉर्मल ईयर होंगे। और चौथा पॉइंट है, कितने सेंचुरी के लीप ईयर होंगे, कितने सेंचुरी के लीप ईयर होंगे। अब भाई एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, नॉर्मल ईयर खोजेंगे। और नॉर्मल ईयर को हम लोग बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, अगर उसका दो अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या होगा, नॉर्मल लीप ईयर होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वह नॉर्मल ईयर होगा, वह क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो बताओ क्या ये 15 4 से डिवाइड होगा, आप कहोगे नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, नॉर्मल ईयर। 1820 4 से डिवाइड हो जाएगा बट 1625 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2024 हो जाएगा पर 1829 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो अभी तो ऊपर 3 मिल गए, दूसरे रो में देखो ये सारे के सारे देखो सेंचुरी ईयर लगे हैं, लास्ट टू डिजिट 00 है, सब शताब्दी हैं, 36 4 से कटेगा बट 15 नहीं कटेगा, तो ये 4 हो गए। 1900 400 ये सब भाई सब सेंचुरी वाले मामले हैं, 2012 4 से कट जाएगा, 2008 भी कट जाएगा बट ये 2100 21 नहीं डिवाइड होगा 4 से, और
ये 2039 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल नॉर्मल ईयर की संख्या कितनी हो गई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें कितने इसमें नॉर्मल ईयर हैं, तो 6 इसमें क्या हो गए, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। इसमें कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो आप कहोगे इसमें 6 नॉर्मल ईयर हैं। अगर ये सबके सब नॉर्मल ईयर हैं, तो बताओ इसमें जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी, तो आप कहेंगे इसमें जो फरवरी रही होगी सर वो 28 की रही होगी। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल लीप ईयर की बात करें, तो ध्यान से देखो, जो 4 से डिवाइड हो जाए, किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वह क्या होता है, वह नॉर्मल लीप ईयर होता है। और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 29 की होगी। ठीक है, अब बताओ ये 20 भी 4 से डिवाइड होगा, और 24 भी 4 से डिवाइड होगा, 2136 भी 4 से डिवाइड होगा, और इधर 2012 भी 4 से डिवाइड होगा, 2008 भी 4 से डिवाइड होगा, और बाकी तो सब सेंचुरी वाले मामले हैं, तो हम लोग सेंचुरी के बारे में तो अभी देख नहीं रहे हैं, अभी हमें नॉर्मल लीप ईयर पता करना था। तो देखो नॉर्मल लीप ईयर की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें नॉर्मल लीप ईयर कितने आ गए, तो आप कहेंगे कि इसमें जो नॉर्मल लीप ईयर की संख्या है, गिन लो, 1 2 3 4 5, तो टोटल नॉर्मल लीप ईयर कितने आ गए, 5। और अगर ये 5 नॉर्मल लीप ईयर हैं, तो इन सब में जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी, 29 की रही होगी। बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, भाई अच्छे से समझ लेना, बेहतर ढंग से, वीडियो ना समझ में आए आप रिवर्स कर करके देखो, लेकिन आपको कैलेंडर में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो अगला तीसरा पॉइंट क्या था भाई, तीसरा पॉइंट जो हमारा था, इसने पूछा कितने सेंचुरी नॉर्मल ईयर होंगे। भाई पहले तो ये जान लो सेंचुरी ईयर क्या होता है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक अगर 00 आ जाए तो वह सेंचुरी ईयर होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, अगर कोई क्या है, अगर कोई सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है, ये कैसे पता चलेगा, अगर वह 400 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर वह 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वह सेंचुरी का लीप ईयर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या ये 200-400 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसका दो अंक 00 है, इसका मतलब यह सेंचुरी ईयर है। ठीक है, इसका भी अंक लास्ट दो अंक 00 है, यह भी सेंचुरी ईयर है, लेकिन यह 400 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2200 की, तो 2200 भी सेंचुरी ईयर है, 2200 भी क्या है, सेंचुरी ईयर है, लेकिन यह सेंचुरी ईयर है, लेकिन 400 से डिवाइड तो नहीं होगा ना, और जब 400 से डिवाइड नहीं होगा तो सेंचुरी का क्या होगा, सेंचुरी का नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2200 की। क्या 1900 400 से डिवाइड होगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। क्या 2300 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 100-400 से डिवाइड होगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की जो संख्या आ गई 1 2 3 4 5, तो सेंचुरी नॉर्मल ईयर की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 5। तो बताओ अगर ये सबके सब सेंचुरी नॉर्मल ईयर हैं, तो इसमें जो फरवरी थी वो कितने की रही होगी, तो आप कहोगे सर इसमें फरवरी 28 की रही होगी। कितने की रही होगी मेरे भाई, 28 की रही होगी। तो एक बात बताओ सेंचुरी लीप ईयर को कैसे पहचानोगे, तो अगर हम सेंचुरी लीप ईयर की बात करें, तो जो सेंचुरी लीप ईयर होता है, जो सेंचुरी लीप ईयर होता है, पहले तो ये जान लो कि सेंचुरी अगर है तो अंतिम दो अंक 00 होगा, और अगर वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वह क्या होगा, वह सेंचुरी का लीप ईयर होगा। तो बताओ ये 2000 जो है इसका दो अंक 00 है, आप कहोगे बिल्कुल है, 400 से उड़ाओगे तो उड़ भी जाएगा, पूरी तरीके से कट भी जाएगा, ये 400 भी 400 से कट जाएगा, ये 1600 भी 400 से कट जाएगा, और तो भाई कुछ बचा नहीं है कि जो 400 से कट जाए। तो इसमें सेंचुरी लीप ईयर की संख्या 1 2 3, सेंचुरी लीप ईयर की संख्या कितनी, 3, और अगर ये सेंचुरी के लीप ईयर हैं, तो इसमें जो फेव रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 29 का रहा होगा। बताओ भाई इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई हर किसी को, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आज जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे कि जो लीप ईयर होता है वह होता क्या है। ठीक है, हम लोग लीप ईयर को पहचान तो लिए कि भाई कोई भी शताब्दी वर्ष हो, अगर वो 400 से पूर्णतया विभाजित तो हो जा रहा है, तो वह सेंचुरी का लीप ईयर होगा। किसी भी वर्ष का अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वह लीप ईयर होगा। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि किसी वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, यह फाइंड आउट करना है। किसी वर्ष में कितने लीप ईयर, किसी शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर, हमें उसका पता लगाना है। तो हमें यहां पे ज्ञात करना है लीप ईयर ज्ञात करना। ठीक है, अगली जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, लीप ईयर, लीप ईयर ज्ञात करना, लीप ईयर ज्ञात करना, टू फाइंड द लीप ईयर, टू फाइंड द लीप ईयर।
लीप ईयर ज्ञात करना। तो इसको भी भाई पॉइंट में थोड़ा सा हम लिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर लिखने पे विश्वास करते हैं, खास करके अवध के जो हमारे छात्र हैं वो सब लिखने में बड़ा भरोसा करते हैं। आप लिखा दो, आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट बता दिया, आप कोशिश करो ओरल बता दो, तो भैया उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम उनके लिए भी ज़्यादा हमारा जो फोकस है, यूपीपी का हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है, तो हम लोगों का फोकस यही है कि हम लोग उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो भाई हम लिखेंगे, किसी को अगर परेशानी होती है या किसी को चीज़ें पता है तो नोट डाउन ना करो, लेकिन हमें उनके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम जिनके बीच रहते हैं हमें उनके बारे में ज़्यादा बेहतर से पता है कि उन लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे लिखो लीप ईयर ज्ञात करना, क्या लिखना है, लीप ईयर ज्ञात करना टू फाइंड द लीप ईयर, ठीक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस भी किया था, फिर भी एक बार मैं रिटर्न फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, किसी भी साधारण वर्ष में चार से भाग देने पर जो भागफल होगा यानी कि जो हमारा क्वेश्चेंट होगा, जो भागफल होगा वह लीप ईयर की संख्या होगी। वही क्या होगा, वह लीप ईयर की संख्या होगी। वह क्या होगा, लीप ईयर की संख्या होगी, ठीक। तथा किसी शताब्दी वर्ष में ध्यान से देखना, किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर वह नंबर ऑफ सेंचुरी लीप ईयर होगा। वही तो नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, वह क्या होगा, वह शताब्दी वर्ष होगा। तो इतनी बात समझ में भाई बेहतर ढंग से सबको आ गया होगा, पेज को चेंज करें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमने क्या बताया था, किसी भी वर्ष में, एक बार मैं यहां पर ओरल बता दे रहा हूं, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल होगा वह क्या होगा, वह लीप ईयर की संख्या होगी। और किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर जो भागफल होगा वह नंबर ऑफ सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो कोई अगर साधारण वर्ष में उसमें 4 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा वह लीप ईयर की संख्या होगी। और अगर किसी भी सेंचुरी ईयर में अगर हम 400 से भाग देंगे, जो हमारा भागफल होगा वह क्या होगा, वह लीप ईयर की संख्या होगी, ठीक है, वह सेंचुरी लीप ईयर की संख्या होगी। तो किसी भी सिंपल ईयर में अगर हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल होगा वह क्या होगा, भागफल होगा वह नॉर्मल लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हम किसी सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सेंचुरी लीप ईयर यानी कि शताब्दी लीप ईयर की संख्या होगी। तो बताओ, इतनी बातें अभी हमने रिटर्न फॉर्म में भी लिखाया था। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन को सीखते हैं। तो बताना मेरे भाई, सबसे पहला बताओ, हाउ मैनी लीप ईयर इन 14 ईयर बताओ भाई 14 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने क्या बताया कि 14 क्या है, साधारण वर्ष है कि सेंचुरी है। आप कहोगे साधारण वर्ष है, ध्यान से सुनना,
तो मैंने अभी क्या कहा कि भाई इस 14 में करना क्या है, 7 से भाग, सॉरी 4 से भाग दे दो। किससे भाग दे दोगे? 4 से भाग दोगे, जो भागफल आएगा वह लीप ईयर की संख्या होगी। तो बताओ 14 में 4 से भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया। तो इसमें जो लीप ईयर की संख्या हुई वो कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर इसमें लीप ईयर की संख्या हो गई 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर हम लोग बात करें कि भाई 25 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 25 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको करना क्या है, इस 25 में 4 से भाग दे दो, जितनी बार जाएगा वह हमारा क्या होगा, वह हमारा लीप ईयर की संख्या होगी। तो बताओ जब आपने 25 में 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया? तो आप कहोगे सर 6 बार गया। तो इसमें जो लीप ईयर की संख्या आई वो कितनी आ गई? 6 लीप ईयर की संख्या होगी, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें 50 वर्षों में, ध्यान से सुनना, मैंने कहा हाउ मैनी लीप ईयर इन 50 ईयर, बताओ 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखना कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी। तो 50 में किससे भाग दोगे भाई मेरे? 4 से। 50 में किससे भाग दोगे? 4 से। और जब 50 में 4 से भाग दोगे तो 12 चौक 48, ये 12 बार गया, जो हमारा क्वेश्चन आया वो 12 आ गया। और जब हमारा क्वेश्चन 12 आ गया, जो हमारा भागफल आया वो 12 आ गया, तो बताओ 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग आपसे पूछें कि भाई 90 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, 90 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि भाई 90 वर्षों में हम 4 से भाग दे देंगे, और जब हम इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 22 बार जाएगा। इसमें 22 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 22 लीप ईयर हो गए। लेकिन जो हम लोगों से ज्यादातर पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे सबसे पहला हम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी। अब बताओ कि 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, तो 100 वर्षों में बहुत तेजी के साथ स्टूडेंट उठेगा, उसे पता भी है 4 से भाग देने पर भागफल जो आता है वह लीप ईयर की संख्या होगी, उड़ा दिया 25 से। अब उस मूर्खानंद को यह नहीं पता है कि इस 100 वर्ष में एक सेंचुरी वर्ष भी आया तो है। बताओ इस 100 वर्षों में एक सेंचुरी ईयर भी आया है। अब आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि जो सेंचुरी ईयर है वह 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर वह 400 से डिवाइड हो रहा है तब तो उसको कंसीडर करेंगे, अगर वह 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब जब इसमें आप ध्यान से देखो 100 वर्षों में कहा कि 25 आ गए, जबकि हम लोग बात करें तो जो हमारा पहला लीप ईयर बना था, जो हमारा पहला लीप ईयर बना था वो 4 वर्षों में बना, फिर कितने में बना होगा? 8 में, फिर 12 में, चूंकि 4-4 वर्षों पे जा रहा है, फिर कितने में? 16 में। अगर हम ऐसे करते करते चले जाएं तो एक टाइम आएगा 96 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 96 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। क्यों? क्योंकि अगर हम 96 में 4 से डिवाइड करें तो कितना भागफल होगा? 24 भागफल होगा, 24 हमारा क्वेश्चन होगा। और अगर हमारा 24 क्वेश्चन होगा तो इसमें बताओ नंबर ऑफ लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई? तो आप कहोगे 24। लेकिन अभी यहां तो आप 100 वर्षों में निकाल के बैठे हो कितना? 25। तो एक बात बताओ, 25 तो तब होगा जब हमारा जो सवा वर्ष होगा, जब हमारा सवा वर्ष जो होगा वह क्या होगा? सवा वर्ष हमारा सेंचुरी लीप ईयर होगा। जब सवा वर्ष हमारा लीप ईयर होगा तभी तो पता चलेगा। और हमने पहले ही बता रखा है कि कोई शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है उसके लिए क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। और अगर हम इस 100वें वर्ष में 400 से डिवाइड करें तो बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहोगे सर जो आपका सवा वर्ष था वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ। और अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि यह सेंचुरी का कौन सा ईयर है? यह सेंचुरी तो है लेकिन यह सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है। अब बताओ अगर सवा वर्ष जो है
अगर सवा वर्ष सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है, सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है तो बताओ इसमें जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी, 28 की रही होगी। इसमें फरवरी कितने की रही होगी, 28 की रही होगी। और जब फरवरी इसमें 28 की रही होगी तो बताओ सवा वर्ष जो होगा, जो हमारा सवा वर्ष होगा, क्या उसको हम लोग लीप ईयर मानेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, सवा वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनना, अगर सवा वर्ष लीप ईयर नहीं होगा तो ये बताओ कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या बनी वो कितनी बनी, 24 बन गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक एक पॉइंट लिख देंगे कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आई वो कितनी आ गई, 24। 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आई वो कितनी आ गई, 24। और अगर आप इतनी बड़ी कहानी नहीं बनाना चाहते हैं, ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम नए सिरे से क्लास को ज्वाइन किए हैं या पहली बार कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, वो इनके लिए था। लेकिन जो अच्छे और तेज तर्रार छात्र हैं, जो एक दो बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको कैसे डायरेक्ट करना है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि कोई भी अगर शताब्दी वर्ष है या कोई भी लीप ईयर है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, 4 से डिवाइड कर दो। जब आपने इसमें 4 से भाग दिया तो बताओ कितनी बार गया, 25। अब इस 25 में क्या 25 के 25 लीप ईयर होंगे? आप कहोगे नहीं सर, 25 के 25 तो लीप ईयर नहीं होंगे। क्योंकि ध्यान से देखो, इन 100 वर्षों में कितने शताब्दी आए हैं? तो आप कहोगे सर एक शताब्दी वर्ष आया है, वह जो शताब्दी है वह चौथा वर्ष है, वह जो शताब्दी है वह चौथा वर्ष है, तो आप कहेंगे वह सवा वर्ष है। अब अगर ये सेंचुरी, अब जो सवा वर्ष है वो क्या है, वह सेंचुरी ईयर है। सवा वर्ष क्या है, सेंचुरी ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर है तो बताओ ये 400 से ही तो काट के या 400 से ही इसको डिवाइड करने पर पता चलेगा कि यह सेंचुरी का लीप ईयर है कि सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है। तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल सर यहाँ पे अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो यह नहीं कटेगा। इसका मतलब यह सेंचुरी का क्या था, यह सेंचुरी का नॉर्मल ईयर था। और अगर यह सेंचुरी का नॉर्मल ईयर है तो इसमें जब फरवरी रही होगी वो 28 की रही होगी, और जब फरवरी 28 की है तो क्या यह लीप ईयर बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसा कितना वर्ष इसमें था, ऐसा इसमें कितना वर्ष था इस 25 में जो लीप ईयर नहीं बन रहा था, तो आप कहेंगे केवल और केवल यह सवा वर्ष। अब बताओ 25 से अगर हम एक घटाएंगे तो लीप ईयर की संख्या कितनी बनेगी, तो आप कहोगे सर 24 लीप ईयर की संख्या हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, अगर हम आपसे पूछें भाई 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी, फिर आप 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 4 से डिवाइड किया तो 50 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 50 बार चला गया। और बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सवा वर्ष है ये 400 से डिवाइड नहीं होता है। इसमें कितने सेंचुरी लीप ईयर हैं, तो इसमें दो सेंचुरी लीप ईयर हैं, एक सवा वर्ष और एक दो सवा वर्ष। तो बताओ सवा वर्ष क्या 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या दो सवा वर्ष 400 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसमें से कितने माइनस करने हैं, सवा वर्ष वाला निकाल लो और दो सवा वर्ष, यहाँ से दो सेंचुरी जो थे उनको माइनस कर लो, तो बताओ लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई। तो आप कहेंगे सर लीप ईयर की जो संख्या है वो आ गई हमारी कितनी, 48। तो देखो 200 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी, 200 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 48। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अगला भी करो भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 300 में भी आप 4 से भाग दे दो। आप 4 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? अब 4 से आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 75 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 75 टाइम जाएगा। तो भाई सवा वर्ष, इसमें कितने सेंचुरी ईयर, इसमें 3, सवा, दो सवा और 300। और जब इसमें 3 सेंचुरी ईयर हैं तो ये बताओ वह तीनों सेंचुरी ईयर कौन कौन से, सवा और दो सवा, तो 400 से नहीं कटा था। क्या 3 सवा वर्ष 400 से कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा सर, 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब की बार कितना माइनस करोगे, तो 75 से कितना माइनस करोगे, 3। तो अगर हम बात करें कि भाई मेरे 300 वर्षों में कितने सेंचुरी लीप ईयर, तो आप कहोगे 300 वर्षों में कितने सेंचुरी लीप ईयर, 72 हो जाएंगे। 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ठीक, अगर हम लोग बात करें 400 वर्षों में, अगर हम लोग बात करें कि 400 वर्षों में कितने सेंचुरी लीप ईयर, तो इसको 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 100 बार जाएगा। और इस 100 में कितने सेंचुरी ईयर हैं, तो आप कहेंगे सवा वर्ष, दो सवा वर्ष और 300 वर्ष, और साथ ही साथ
400वां वर्ष भी क्या है, 400वां वर्ष भी तो शताब्दी है। अगर 400वां वर्ष शताब्दी है तो ये बताओ ये 400वां वर्ष 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ भाई। जो 400वां वर्ष है ये 400 से कट जाएगा, और 400वां वर्ष जब 400 से कट जाएगा तो इसमें जो कट जाएगा तो यह सेंचुरी का क्या हो गया, सेंचुरी का लीप ईयर हो गया। मतलब कहने का जो 400वां वर्ष था वह सेंचुरी का लीप ईयर है। अगर यह सेंचुरी का लीप ईयर है तो बताओ भाई 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई, 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या हो गई मेरे भाई 97। कितनी हो गई, 97 हो गई। क्यों, क्योंकि जो 100वां वर्ष था वो नहीं कटा था 400 से, 200वां नहीं कटा था, 300वां नहीं कटा था, बट ये 400वां वर्ष 400 से डिवाइड हो गया। और जब 400वां वर्ष 400 से डिवाइड हो गया तो वह सेंचुरी का क्या हो गया, वह सेंचुरी का हो गया लीप ईयर। और जब सेंचुरी का लीप ईयर रहा होगा तो इसमें फरवरी कितने की रही होगी, 29 की रही होगी। तो बताओ 400 वर्षों में, अगर आज से आपसे कोई पूछे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो 97 होगी। तो बताओ भाई इतनी बातें आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो यहां पे देखना, यहां पे लिख दे रहे हैं 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, दिखाई दे रहा है ये 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या और 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या। तो देखो ध्यान से, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी, 24, यहाँ पे कितना आ गया 24, 200 में कितना हो गया 48, 300 में कितना हो गया, 300 में लीप ईयर की संख्या हो गई 72 और 400 में लीप ईयर की संख्या हो गई 97। तो 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 97। बताओ इतनी बात तो हमने अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखो क्या हर बार जरूरी है कि 400 वर्ष का पूछें, कभी कभी ज्यादा भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखो, सब लोग क्वेश्चन लिखो भाई, 917 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, 917 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी। तो ये बताओ 917 वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो 917 में अगर हम 4 से डिवाइड करें, ध्यान से देखो 917 वर्षों में 4 से डिवाइड करेंगे, बड़ा लंदी प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है कि इस 400 को हमें बेस मान लेना है, इस 400 को हमें क्या मान लेना है, इस 400 को हमें बेस मान लेना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे कि 400 को हम अगर बेस माने, ध्यान से देखो 400 को अगर हम बेस मान के करें तो 400 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 97 होती है। तो देखो 400 वर्षों में अगर लीप ईयर की संख्या 97 होती है और अगर हम 400 को एक पेयर बोले, अगर हम 400 को एक पेयर बोले तो बताओ एक पेयर में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर एक पेयर में लीप ईयर की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। एक पेयर में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, एक पेयर में लीप ईयर की संख्या हो जाएगी मेरे भाई 97 हो जाएगी, ठीक। तो ये बताओ जब एक पेयर जहां जहां हम बोलेंगे, जहां जहां हम एक पेयर की बात करेंगे, अब से आपके दिमाग में होना चाहिए 400 वर्ष और एक पेयर मतलब 97 लीप ईयर। क्यों, क्योंकि हमने 400 वर्ष को एक पेयर बोल दिया, और अगर 400 वर्ष को हमने एक पेयर बोल दिया तो एक पेयर में लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 97। क्यों, क्योंकि यहां पे 400 वर्षों में आप लोग अच्छे से जानते हो कि 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 97। तो अभी हमने क्या कहा, हाउ मैनी लीप ईयर इन 917 ईयर, भाई 917 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो ये बताओ इसमें 400 के कितने पेयर होंगे, तो आप कहोगे सर 400 के इसमें दो पेयर होंगे, 400 के कितने पेयर होंगे, दो पेयर होंगे। तो ये बताओ 400 के एक पेयर में कितने, एक पेयर में कितने वर्ष होते हैं, तो आप कहोगे एक पेयर में तो सर 400 वर्ष होते हैं। तो ये बताओ इसमें 400 के दो पेयर हैं, तो यहाँ पे जो वर्षों की संख्या आई कितनी हो गई, 800 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, 800 हो गई। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बताओ 800 हो गई, अभी रिमेनिंग कितने हैं इसमें, तो 917 में से 800 वर्ष निकल गए, 917 में से 800 वर्ष निकल गए, तो बचे कितने, 117 वर्ष। तो यहाँ पे 100 वर्ष और ले लो, अब बताओ कितने वर्ष बचे, अब यहां से अगर हम 100 निकाल दिए तो कितने बचे, 17 बचे, कितने बचे, 17 बचे। तो
अब यार ध्यान से देखना कि ये 800 और ये 100, 900 हो गए और 917 बताओ सारे वर्ष एकदम लाइन से लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं। आपको पता है कि 400 के एक पेयर में होते हैं 97 लीप ईयर, तो बताओ 400 के कितने पेयर बने थे? तो आप कहोगे सर 400 के दो पेयर बने थे, तो दो पेयर में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 1 = 19, तो यहाँ पर आ गया 194। तो 800 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई? 194। लेकिन हम लोगों से 917 वर्षों का पूछा था, तो बताओ 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 24। लास्ट क्लास में हमने सारी बातों पर डिस्कस कर लिया था पहले ही, ये क्वेश्चन करने से पहले हमने 1 by 1 सारी चीजों पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब बताओ 17 वर्षों में किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर, देखो किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल होगा वह क्या होगा? वह हमारा लीप ईयर होगा। तो बताओ 17 वर्षों में अगर हम 4 से भाग दे दें, 17 वर्षों में अगर हम 4 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे 4 लीप ईयर और जुड़ गए। तो यार 24 × 4 कितना हो गया? 28, यहाँ पे ऐड कर लो, 8 × 4 = 12 और 10 × 2 = 12, 222। बताओ भाई समझ में आ गया सबको? तो 917 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आई, 917 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आई वो कितनी हो गई? 222 हो गई। अब बताओ अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या वहाँ 4 से भाग देने जाओगे? इस तरीके से करना, ठीक है? अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अभी 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक? तो ये तो बात हो गई 917 वर्षों की। अगला लिखो, अगला लिखो सब लोग भाई, 1427 वर्षों में, 1427 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 1427 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? तो ये बताओ इस 1427 में 4 × 4 = 100 के कितने पेयर बन रहे हैं? तो आप कहोगे सर 4 × 4 = 100 के इसमें 3 पेयर बन रहे हैं, और एक पेयर में 400 वर्ष होते हैं। एक पेयर में कितने वर्ष होते हैं? 400 वर्ष होते हैं, और इसी 400 को हम लोग एक पेयर भी बोलते हैं। तो जब एक पेयर में 400 वर्ष होते हैं, 4 × 4 = 100 के कितने पेयर हो गए? 3 हो गए, तो 4 × 3 = 1200 वर्ष यहाँ से निकल गया। तो बताओ बचे कितने? 227 वर्ष। फिर हमने 200 निकाल लिया तो कितने बचे? 27 वर्ष। अब ध्यान से सुनना, 400 के एक पेयर में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है? 400 के एक पेयर में लीप ईयर की संख्या 97 होती है, तो यहाँ पे 400 के कितने पेयर बने हैं? 400 के 3 बने हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 = 91, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27 और 27 × 2 = 29, ये होगा टोटल 291, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, तो आप कहेंगे सर 200 वर्षों में लीप ईयर की जो संख्या होगी वो हो जाएगी कितनी? 48। और 27 वर्षों का लीप ईयर निकाल लो, 27 में किससे भाग दोगे? 4 से, तो 4 × 6 = 24, कितनी बार गया? 6 बार। तो 48 और 6 कितने हो गए? 54। 48 और 6 कितने हो गए? 54। तो 4 × 1 = 5, 9 × 5 = 14, तो यहाँ पे 345 लीप ईयर होगा, 345 लीप ईयर होगा, कितने में? 1427 वर्षों में। तो 1427 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 345 लीप ईयर की संख्या होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ में आया होगा, ठीक है? तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है हमारा 2333 वर्षों में, 2333 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? 2333 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? तो 2333 वर्षों में पहले तो ये देख लो 4 × 4 = 100 के कितने पेयर आए हैं। तो आप कहेंगे सर 4 × 4 = 100 के इसमें 5 पेयर आए हैं, 4 × 5 = 20, 2000 वर्ष आ गए। कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष हो गए, प्लस 300 हो गए, जो 333 बचा था उनको ले लिया, फिर ये कितने हो गए? 33 हो गए। अब ध्यान से देखना भाई, तो 400 के एक पेयर में कितने होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं, 400 के यहाँ पे कितने पेयर बने? 5, तो 5 × 7 कितना हो जाएगा? 5 × 7 हो जाएगा 35, और 5 × 9 = 45, और 45 × 3 कितना? 48, तो 485 तो यही हो गया,
ठीक है। अब बताओ 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या होती है 72, तो 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या यहां पे रख दो कितना 72, और 33 वर्षों का लीप ईयर निकाल लो, 33 में 4 से भाग दे दो, 4 8 32 कितनी बार गया 8 बार, तो यहां पे लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। तो 33 वर्षों का लीप ईयर, 300 वर्षों का लीप ईयर, 2000 वर्षों का लीप ईयर। अब बताओ सबका टोटल कर लो, 72 8 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 5 8 8 16 565। तो बताओ 2333 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आ गई वो कितनी हो गई 565 लीप ईयर की संख्या हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि देखो इससे भयंकर क्वेश्चन उसमें नहीं पूछेगा, बहुत छोटे छोटे 400 500 600 तक पूछता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मान लो थोड़ा सा लंदी भी पूछ ले तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से मैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगर हम, ये तो हो गया 2333 लिखो, 2918 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, 2918 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? तो बताओ यहां पे 4-400 के कितने पेयर बना रहे हो, 4-400 के 7 पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे 7 पेयर बनेंगे, 4 × 7 = 2800 वर्ष निकल गए, बचे कितने 118, तो 100 वर्ष और ले लो, फिर कितने बचे 18 वर्ष। तो ये बताओ कि 400 के एक पेयर में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आप कहेंगे 400 के एक पेयर में 97, तो 400 के कितने पेयर बने हैं, 400 के 7 पेयर बने हैं, तो 7 × 7 = 49 और 7 × 9 = 63 और 4 = 67, तो 674 हो गया। और 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या मेरे भाई होती है कितनी 24, और 18 वर्षों में अगर लीप ईयर निकालना है 4 से भाग दे दो, 4 × 16, तो यहां पे टोटल ये हो गए आपके लीप ईयर, इनको आप काउंट वाउंट करेंगे तो 24 × 4 कितना हो गया 28, यहां पे जोड़ लो 8 × 4 = 12 और एक बच गया 8 × 2 = 10 702, कितने लीप ईयर होंगे 702 लीप ईयर होंगे, कितने में 2918 वर्षों में। तो 2918 वर्षों में अगर हम लोग लीप ईयर की संख्या जाने तो 2918 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 702 हो जाएगी। तो इस क्लास का और इस लीप ईयर का अब मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो हम लोगों की क्लास होगी वो अगली क्लास होगी। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, लिख लो भाई 3339 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी, 3339 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? तो एक बात बताओ 3339 में 4-400 के कितने पेयर, तो आप कहेंगे 4-400 के 8 पेयर, तो 4 × 8 कितना हो गया 3200 वर्ष निकाल लो। तो बताओ 3339 में से 3200 निकल गए तो बचे कितने 139, फिर यहाँ से कितने वर्ष ले लो 100 वर्ष ले लो, फिर कितने 39, बताओ सारे वर्ष हो गए 3339 की नहीं हो गए, अरे भाई 3200 और फिर कितने हो गए 39 हो गए। तो एक बात बताना भाई 4-400 के इसमें कितने पेयर बने हैं, तो 4-400 के इसमें 8 पेयर बने हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 400 के एक पेयर में लीप ईयर की संख्या 97, तो 400 के 8 पेयर में कितने होंगे लीप ईयर, तो यहाँ से काउंट कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो 8 × 7, ध्यान से देखना 8 × 7 = 56, ठीक है 8 × 7 = 56 और 8 × 9 = 72 और 72 × 5 कितना हो जाएगा 77, 72 × 5 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 3200 वर्षों में टोटल लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई 776 हो गई, और 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या आती हो कितनी 24, और 39 वर्षों का निकाल लो 39 में 4 से भाग दे दो 4 × 9 = 36, तो यहाँ पे जो भागफल आया वो 9, और यही जो भागफल होता है 4 से भाग देने पर वो हमारा लीप ईयर की संख्या होती है। तो इसमें कितने आ गए 9 लीप ईयर आ गए, तो 9 × 4 = 13 यानी कि 33, यहाँ पे टोटल जो लीप ईयर की संख्या होंगे 6 × 3 = 9 7 × 3 = 10 809। तो 3339 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या हुई 3339 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या हुई वो 809 लीप ईयर की संख्या होगी।
ठीक, तो बताओ आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। आज हम लोगों ने देखा कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है, तो 28 की होती है, लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। और उसके बाद हम लोगों ने लीप ईयर निकालना सीखा, हम लोगों ने सेंचुरी ईयर की पहचान देखी, हम लोगों ने सेंचुरी लीप ईयर की पहचान देखी, उसके बाद हम लोगों ने लीप ईयर निकालना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो खुद तो शेयर करो ही, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर कराइए, ताकि थोड़ा सा हम लोगों का मनोबल बढ़ सके। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।